सो दोस्तों आज का जो ये वीडियो बन रहा है, ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाते हुए दोस्तों हंसी तो आ ही रही है मेरा, उसके साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले ही तो हम लोग इतने परेशान हैं, कोरोना तो हंता तो ये तो वो, ये सब वायरस को लेके, उसके ऊपर जो ये पोस्ट और वो जो व्हाट्सएप में आते आना फॉरवर्ड किया हुआ मैसेजेस, ठीक है, और कहीं कहीं पे तो ये आ चुका है कि कोरोना वायरस का एंटीडोट बन चुका है। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी आ रहा होगा कि इस चैनल पे अभी कोरोना वायरस के ऊपर ही लगातार आ रहा है क्यों, टेक्नोलॉजी से भी है ट्रेंडिंग में, दोस्तों ट्रेंडिंग में तो कोरोना ही है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी में तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ ठप पड़ चुका है, तो कोरोना के ऊपर ही। और दोस्तों ये वीडियो बनाते हैं मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, ठीक है, आपको भी बताना चाहिए इसके ऊपर, नहीं तो आप भी शायद इसमें फंस सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को, किसी भी वीडियो को स्किप करो, इसको बिल्कुल ना करें और बहुत ध्यान से देखें, बहुत ज़्यादा काम का होगा, अगर आपको गलत लगे तो मुझे गाली देकर नीचे जाना, ठीक है, वीडियो को पूरा देखो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस कोरोना वायरस इन सब फेक न्यूज़ के बारे में। सो लेट्स बिगिन, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हमें सौरभ चौधरी और ये है ट्रेंड इंडिया चैनल, जिसमें हम बात करते हैं गूगल पे ट्विटर पे ट्रेंडिंग में आया हुआ कोई भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन के साथ 100% नोटिफिकेशन। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस यहां पर पहले बात करते हैं दोस्तों ये सब व्हाट्सएप में, इतना व्हाट्सएप और फेसबुक मतलब लगता है ना सामने मिला तो काट दें इसको, ऐसा है, मतलब इतने ज्यादा फेक न्यूज आ रहा है। देखो दोस्तों आज मैं कुछ पोस्ट पढ़ रहा था जहां पे ये लिखा हुआ है कि अगला 3 से 4 दिन या फिर 24 से 48 घंटा जो है इतना ज्यादा रिस्की है कि मतलब चाइना ने जो है हम लोगों में, ठीक है, मतलब इंडिया में कुत्ते में ये कोरोना वायरस छोड़ दिया है, ठीक है, ये कुत्ता जो है सब लोगों में घूम रहा है, ठीक है, और लोग इससे इन्फेक्ट होकर सारा दुनिया मर रहा है, क्योंकि दोस्तों चाइना ये नहीं चाहता, चाइना तो पहला ये जल रहा है भारत को देख के, जेलसी फील कर रहा है कि उनको क्यों नहीं हुआ, हम भी इनको भेजेंगे, इसके लिए क्या किया चाइना जो है एक कुत्ते में आके छोड़ दिया, वो कुत्ता चारों तरफ घूम रहा है, उससे हम लोगों को हो रहा है। पहला तो मेरे को हंसी आया, दूसरा गुस्सा आया, ठीक है, ये जो फुटेज दिखाया गया, ठीक है, ये फुटेज जो है एक जो है मूवी का था, बौद्ध धर्म नाम से एक मूवी था शायद, वो मूवी का था, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन उस मूवी का था ये, उसको इधर उधर एडिट करके काट उट के चिपकाया गया ऐसा कि ओरिजिनल लगे। और पहले तो कुत्ते में हो नहीं सकता क्योंकि कुत्ते से ये हो रहा है, ठीक है, कुत्ते ये सब एनिमल्स है तो उन लोगों को तो इसको नहीं हो सकता है, ठीक है, तो पहला तो ये सब मतलब फेक न्यूज़ का भंडार हो चुका है, ठीक है, ये वो फेसबुक में एक पोस्ट जैसे कि आपको बताएं ये वाला, ठीक है, व्हाट्सएप में एक ये वाला वीडियो, तो दोस्तों हज़ारों ऐसे वीडियो और पोस्ट मिल जाएगा आपको। और भैया ये टिकटॉकर्स भैया मतलब आतंक मचाए हुए हैं, उल्टा पलटा मतलब अंट जो मन है फलाना ये सब, ये लगाओ हल्दी लगाओ चंदन लगाओ इसमें लगाओ तो ये हो जाएगा। देखो भाई मेरा क्लियर कट आपको जवाब है और एक सजेशन है कि आप बिल्कुल भी ये टिकटॉकर्स यहाँ तक कि यूट्यूबर्स भी अगर कोई ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, कि ये करो तो वो हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त है या फिर यूट्यूबर है तो मैं इनको सपोर्ट करूँगा। देखो दोस्तों जो गलत है सो गलत है, टिकटॉकर्स गलत कर रहे हैं, व्हाट्सएप में आपको गलत आ रहा है, देखो दोस्तों आप तो समझदार हो लेकिन शायद आपके फैमिली उतना ज़्यादा समझदार नहीं है इन सब इंटरनेट के मामले में, उनको जो दिखता है वो सच लगता है, तो हो सके तो उनके फैमिली से जो है वो व्हाट्सएप और फेसबुक को हटा दो कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये टेंशन में ज़रूर कुछ हो सकता है, इतना ज़्यादा टेंशन में जब आ जाएंगे तो उनको शायद हटा दो आप अगर मतलब हटा सकते हो तो। दोस्तों आपका तो नॉलेज है, शायद उनको नॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए तो उसको हटा दो वहाँ से। और दोस्तों सजेशन ये रहेगा मेरा कि कोई भी अगर कोई भी नुस्खा बता रहा है तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि हु जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो रिसर्च में बेटा पड़ा हुआ है, उसको नहीं मिल रहा है इसका जो है सोल्यूशन या फिर इसका मतलब किट जिससे एंटीडोट जिससे ये ठीक हो सके, लेकिन इन लोगों को मिल गया, टिकटॉकर्स को मिल गया कि ये करो तो वो हो जाएगा, नींबू खाओ तो ये हो जाएगा, हल्दी लगाओ तो ये हो जाएगा, पहला सजेशन ये है। और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसे वेबसाइट मेरे को दिखा, ठीक है, अभी तो वो बंद कर दिया गया, लेकिन वो बेच रहा था कोरोना वायरस का एंटीडोट, मतलब कमाल है भाई, लोग पागल हैं कि वो पागल हैं और लोग खरीद रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा है। तो गाइज ये था कुछ टॉपिक भाई मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत वाइटल टॉपिक है ये गाइज, जिसमें आपका मतलब ये फेक न्यूज व्हाट्सएप में फेसबुक से इससे बचना है, नहीं तो शायद कुछ हो सकता है, नहीं तो वैसे हम लोग भारत जो है इन सब से मतलब भगवान का शुक्रिया करिए कि भारत इन सब से बहुत पीछे है, इन सब से पीछे है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर इन सब में आगे होता तो बहुत हम लोगों को तकलीफ होता, इन सब से पीछे इन द सेंस हम लोगों में उतना ज़्यादा कोरोना फैला नहीं है जितना इटली यूएसए और चाइना में फैला था, ठीक है, चाइना में तो अभी घट रहा है, यूएसए में क्यों इतना ज़्यादा फैला इसके ऊपर वीडियो जो है कल आने वाला है, ठीक है, तो ज़रूर उसको देखना, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा,
ठीक है, जो गलती भारत नहीं कर रहा है, जो कि यूएसए कर चुका है। ठीक है, ये था कुछ टॉपिक गाइस, बहुत वाइटल टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया है और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि उनको भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे और वो थोड़ा सा मेन बात जो है सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो शेयर कीजिए और गाइस इस चैनल के बारे में थोड़ा बताते हैं, ऑनलाइन से जुड़ा हुआ इकलौता चैनल जिसमें ट्रेनिंग टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और बात किया जाता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आगे भी ऐसे अपडेट आपको मिलता रहे। सो गाइस खत्म करते हैं आज का टॉपिक, कल मिलेंगे ऐसे दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।